क्वेश्चन ये हमारा कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, टेक्निकल टर्म्स में हम इसको कैसे डिफाइन करें, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्चुअली क्या होता है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ SDLC। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट को यदि हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके अंदर हमें SDLC क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज क्या होता है आपका, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है। तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट फेस ऑफ SDLC। SDLC का फुल फॉर्म मैं आपको SDLC बताऊंगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड एश्योरेंस टू एंड यूजर्स और कस्टमर्स, एश्योरेंस टू कस्टमर्स दैट एक्सपेक्टेड रिजल्ट, मतलब जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ एन एप्लीकेशन इज मैच्ड फ्रॉम एक्चुअल रिजल्ट। इसका मेन मोटिव ये होता है कि जो भी आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, एक्चुअली क्या होता है, देखो ये सब चीज़ें जैसे अपन नॉर्मल भाषा में हम बात करते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, आईटी कंपनी के अंदर ऐसा नहीं चलता। ऐसी आईटी कंपनी जो नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, उन आईटी कंपनीज के अंदर हर चीज़ का एक रिटन डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो रिटन डॉक्यूमेंटेशन इन द सेंस कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे उनका एक अपना एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है, उस डॉक्यूमेंट्स को हम बोलते हैं SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। SRS के बाद क्या बनता है, BRS बनता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद बनता है TRS, टेक्निकल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो ये तीन डॉक्यूमेंट्स का एक हायरार्की होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो इन्हीं डॉक्यूमेंट से निकल करके आता है कि क्लाइंट को ये चाहिए। अब इसके बाद डेवलपर क्या है, एक अलग फेज है डेवलपमेंट। उस डेवलपमेंट फेज में क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा जो क्लाइंट को चाहिए वो हम उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके शो करते हैं। ठीक है, अब बाद में अपन ये चेक करते हैं कि जो क्लाइंट को की रिक्वायरमेंट थी और जो डेवलपर ने जो रिक्वायरमेंट क्रिएट किया है वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं है, वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरी तरह से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट थिंग इज मैनेज्ड बाय सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, किसको एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, कस्टमर्स को। इसलिए आप देखना कि जो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं उनको टेस्ट, जो टेस्ट केसेस आपने जो लिखा हुआ है उस टेस्ट केसेस का पूरा उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो ऐसे बिलीव नहीं करते कि हमने टेस्ट कर दिया, एक एक चीज़ है। इसलिए पहले जब भी हम कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए पूरा का पूरा क्या होता है, उसका भी अपना एक लाइफ साइकिल होता है। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल क्या होता है, SDLC होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। वैसे टेस्टिंग का भी लाइफ साइकिल होता है, उसे अपन बोलते हैं STLC। क्या बोलते हैं, STLC, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ओके, तो ये क्लियर हुआ कि हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं, एश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। के बाद आईटी कंपनीज प्रोवाइड सेपरेट, ये मैं दे दूंगा, सेपरेट सेक्शन या सेपरेट टीम टू परफॉर्म सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टास्क। इसके लिए हर एक आईटी कंपनी में क्या होती है, एक क्वालिटी की टीम होती है। ठीक है, दिस टीम इज नोन एज QA, इसको क्या बोलते हैं अपन, QA टीम। ठीक है, QA टीम का मतलब होता है क्वालिटी एश्योरेंस टीम। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस टीम का काम यही होता है कि हर एक IT कंपनी में एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, सेपरेट टीम होती है जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे काम करती है। ठीक है, इसके बाद लिखना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जो भी अपन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते हैं उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट पे क्या बेस्ड होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बेस्ड होता है। मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ओके, तो जैसे सीधी सी बात है, जब तक आपको रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होगा तब तक आप किसी भी चीज़ की टेस्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब ये जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ये एक अलग टीम के थ्रू क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन विल बी क्रिएटेड बाय बिजनेस एनालिस्ट ऑफ कंपनी. ठीक है, एक्चुअली स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है कि उसका ए टू जेड उसके बारे में हमने क्या बनाया हुआ है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बोलते हैं. ठीक है, विल बी क्रिएटेड बाय बिजनेस एनालिस्ट ऑफ कंपनी, इट इज कॉल्ड SRS. इसको अपन क्या बोलते हैं, SRS बोलते हैं. इसलिए सबसे पहले जब भी हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से पहले, मतलब टेस्टिंग तो आपका SDLC का कौन सा फेस होता है, चौथा फेस होता है. SDLC का जो पहला फेस होता है वो क्या होता है, आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग ही होता है. ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होने के बाद जब आप पहले आप क्या करोगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगा. रिक्वायरमेंट गैदरिंग होने के बाद फिर क्या होता है, उसका डिजाइनिंग होता है. डिजाइनिंग के बाद क्या होता है, प्रोग्रामिंग होती है, डेवलपमेंट होता है. डेवलपमेंट के बाद क्या होता है, टेस्टिंग होता है. अब हालांकि ये डिपेंड किस पे करता है, कंपनी के सॉफ्टवेयर मॉडल पे डिपेंड करता है. एक्चुअली ये सब चीज़ें जो आपका फ्लो होता है ना SDLC का, अब पहले ऐसा था कि वाटरफॉल मॉडल चलता था, आपने सुना होगा वाटरफॉल मॉडल भी होता है, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप काम करते थे, तो हम ऐसा बोलते थे कि SDLC आपका फ्लो में चलता है. आज के डेट में SDLC आपका फ्लो में नहीं चलता. ठीक है, एजाइल मॉडल आपने सुना होगा. एजाइल मॉडल क्या होता है, अभी एक बहुत ही नया मॉडल है. ठीक है, जो पिछले 4-5 साल से बहुत ज़्यादा IT कंपनीज यूज़ कर रही हैं. अजाइल मॉडल के अंदर क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी एरियाज ऑफ वर्क हैं, जितने भी फेसेस होते हैं, वो सब पैरेलल काम करते हैं और अलग अलग यूनिट में काम करते हैं. कि आपका प्रोजेक्ट, आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उस बहुत बड़े प्रोजेक्ट का पूरा एनालिसिस नहीं करना होगा. उस प्रोजेक्ट के पर्टिकुलर मॉड्यूल्स पे आप फोकस करोगे और उस मॉड्यूल्स का पूरा आप क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे. जब ये मॉड्यूल्स का डेवलपमेंट आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको दूसरे मॉड्यूल पे काम करोगे, तीसरे मॉड्यूल पे काम करोगे, चौथे, तो उस मॉड्यूल का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन. ठीक है, उसके अंदर जो भी आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया, उसकी डिजाइनिंग हो गई, उसका डेवलपमेंट हो गया, उसकी टेस्टिंग हो गई, इसके बाद दूसरे मॉड्यूल, फिर तीसरे मॉड्यूल, चौथे मॉड्यूल, इस तरीके से मॉड्यूल वाइज क्या करते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं. ये किसके अंदर करते हैं अपन, एजाइल के अंदर. तो ऐसे कम से कम 10 मॉडल हैं, इन सभी मॉडल्स को मैं आपको डिफाइन करूंगा. ठीक है, जैसे वाटरफॉल मॉडल हो गया, अजाइल मॉडल हो गया, स्पायरल मॉडल हो गया, इटरेटिव मॉडल हो गया, इंक्रीमेंटल मॉडल हो गया, प्रोटोटाइप मॉडल हो गया. तो ये सभी अलग अलग क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडल्स होते हैं. ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज कॉल्ड SRS. SRS को दो अलग अलग फॉर्म है, इसको बोलते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी बोलते हैं, सिस्टम और सॉफ्टवेयर. ठीक है, आप इसको सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बोल सकते हो या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बोल सकते हो. इसे अपन क्या बोलते हैं, SRS बोलते हैं. SRS मतलब सिस्टम और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, आया समझे. और जो पूरा पूरा टेस्टिंग, ये काम किसका होता है, बिजनेस एनालिस्ट का होता है. हर कंपनी में एक प्रोफाइल होती है बिजनेस एनालिस्ट, जो ये सभी टास्क को परफॉर्म करता है, करेक्ट. तो इसलिए जब भी आप कोई भी मैनुअल टेस्टिंग परफॉर्म भी करते हो ना, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो डॉक्यूमेंट्स आप बनाते हो उसके अंदर के पैरामीटर्स में सबसे पहले आपको टेस्ट केस लिखना पड़ता है कि आपका टेस्ट केस का क्या नंबर है. टेस्ट केस करते हो, फिर टेस्ट केस के बाद आपका क्या रहता है कि पर्टिकुलर आपका जो भी टेस्ट केस के अंदर, जो भी आपका टेस्ट केस का डिटेल डिस्क्रिप्शन रहेगा कि भाई आपने टेस्ट केस क्या लिखा, जैसे चेक लॉगिन, तो चेक लॉगिन क्या हो गया, आपका एक टेस्ट केस हो गया. चेक लॉगिन के अंदर आपने क्या क्या वर्क परफॉर्म किया. ठीक है, चेक लॉगिन में आपने एंटर यूजर आईडी किया, एंटर पासवर्ड किया, आपका लॉगिन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, ये सभी स्टेप्स क्या होते हैं, मैनेज होते हैं. ये मैं आपको SDLC में बताऊंगा कि हम कैसे पर्टिकुलर पूरा का पूरा वर्क परफॉर्म करते हैं. तो अभी तो मैंने आपको बस एक्चुअल डेफिनेशन बताया कि यदि आपसे पूछा जाता है कि भाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता क्या है, तो आप ये बोल सकते हो कि SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का ये सबसे इंपॉर्टेंट फेस होता है, क्योंकि ये फेस एक ऐसा फेस होता है जो एश्योरेंस प्रोवाइड करता है किसी भी क्लाइंट के अंदर, एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है कि उसका जो सॉफ्टवेयर है जैसा वो बनाना चाह रहा था वैसा वो बन गया. क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी डेवलपर कभी भी टेस्टिंग नहीं कर सकता, क्योंकि डेवलपर्स एक पॉजिटिव सिनेरियो में टेस्ट करता है. डेवलपर्स ने जो प्रोग्रामिंग लिखी हुई बस वो उसका फोकस सिर्फ उसी प्रोग्रामिंग कोड पे रहता है. डेवलपर्स एक रियल टाइम यूजर्स के जैसे किसी भी प्रोजेक्ट को ऑपरेट नहीं कर सकता. इसलिए कंपनी क्या करती है कि डेवलपमेंट फेस के अलावा एक नया फेस, एक नया सेपरेट टीम क्या करती है, क्रिएट करती है, और उसी टीम के करस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा वर्क परफॉर्म करती है. ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको पूरा डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैसे करें, इसके लिए मैंने आपको बताया कि इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स होता है SRS. ठीक है,
इसके बाद देखो अब एक्चुअली क्या होता है कि एसआरएस एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। मतलब एसआरएस के अंदर, एसआरएस का डॉक्यूमेंट्स कभी भी किसी को शेयर नहीं किया जाता, वो कंपनी के जो टॉप टीम्स होती है, जो टॉप मैनेजमेंट टीम होती है, उन्हीं के पास एसआरएस डॉक्यूमेंट्स होता है। तो अब टेस्टर्स को कौन सा डॉक्यूमेंट्स दिया जाए, तो टेस्टर्स को डॉक्यूमेंट्स कौन सा दिया जाता है, टेस्टर्स के पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स होता है, एक बीआरएस होता है और दूसरा टीआरएस होता है। ठीक है, टेस्टिंग टीम यूज बीआरएस, बीआरएस मतलब होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट, वो भी बहुत कम कंपनियां बीआरएस देती हैं, वो कंपनी बाय कंपनी क्या करती है, वेरी करती है बिजनेस रिक्वायर। अब छोटी कंपनी है तो एसआरएस ही दे सकती है, लेकिन जो मैं बड़ी कंपनी, जो एक स्टैंडर्ड कंपनी होती है, उनकी बात करूँ, बिजनेस रिक्वायरमेंट टेस्टिंग टीम यूज बीआरएस, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड टीआरएस, टीआरएस मतलब होता है टेक्निकल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। टेक्निकल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में सिर्फ आपको फंक्शनैलिटी रहती है कि भाई आपके प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी है, यदि आपको इस सभी फंक्शनैलिटी को यदि आपको मैनिपुलेट करना है तो उसे अपन बोलते हैं टीआरएस। ठीक है, क्योंकि एसआरएस एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें प्रोजेक्ट की बजट भी रहती है, प्रोजेक्ट का टाइम फ्रेम भी रहता है। ठीक है, जो इंटरनल डिटेल्स होते हैं, जैसे सीधी सी बात है कभी भी कोई प्रोजेक्ट है तो उसका जो टाइम फ्रेम कितना रहता है, आपका 1 ईयर रहता है, तो हम अपने टीम को उसको 1 ईयर नहीं बताते, उसको 6 मंथ ही बताया जाता है, क्योंकि हरदम प्रोजेक्ट का जो टाइम लिमिट है उससे कम लिमिट बताया जाता है। तो एसआरएस क्या होता है, एक एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स होता है। बीआरएस और टीआरएस क्या होते हैं, मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनालिस्ट। ओके, तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा एक हायरार्की होती है। हाँ, टीआरएस मतलब होता है टेक्निकल, ये कौन बनाता है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है किसी भी कंपनी के अंदर, जो प्रोडक्ट डेवलपर्स होते हैं या जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, ये जो लीड प्रोफाइल्स में होते हैं, टेक्निकल लीड्स प्रोफाइल में जो होते हैं, वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बना के देते हैं, क्योंकि उनको भी तो डेवलपर्स को देना होता है ना। डेवलपर्स को एसआरएस बीआरएस नहीं दिया जाता है, डेवलपर को क्या दिया जाता है, टीआरएस, उसको टीआरएस टेक्निकल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है, उस डॉक्यूमेंट्स को रीड करता है और उसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है, वो वर्क करता है। आजकल तो, पहले तो ये सब चीज़ें क्या चलती थी, पेपर वाइज चलती थी, कंपनी में भी आईटी कंपनी में भी पेपर्स बनते थे, अब आजकल ये सब क्या हो गया, पेपरलेस हो गया, ये सब सीआरएम के थ्रू मैनेज होता है, ये सब प्रोडक्ट मैनेजमेंट टूल्स के थ्रू मैनेज होता है। तो हर आईटी कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स यूज़ करती हैं, किसके लिए यूज़ करती हैं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए यूज़ करती हैं, आया समझ में। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको सिनेरियोस क्लियर किया कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का रोल क्या होता है। बीआरएस का मतलब होता है कि जैसे एसआरएस के अंदर आपकी पूरी चीज़ें रहेगी कि भाई टाइम फ्रेम क्या रहेगा, कॉस्टिंग क्या रहेगा, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, प्रोजेक्ट का लिमिटेशन क्या रहेगा, प्रोजेक्ट के मॉड्यूल्स क्या रहेंगे, कितने टीम्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो मतलब एसआरएस के अंदर आपका टेक्निकल डिटेल्स भी रहता है, नॉन टेक्निकल डिटेल्स भी रहता है, ठीक है, मैनेजमेंट डिटेल्स भी रहता है, इकोनॉमिकल डिटेल्स भी रहता है, ये सभी चीज़ें रहती है। बीआरएस के अंदर सिर्फ रिक्वायरमेंट्स रहता है, रिक्वायरमेंट्स के अंदर वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकते हैं और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि टेस्टिंग वाले को फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी चाहिए और नॉन फंक्शनल भी चाहिए, सीधी सी बात है। टीआरएस ओनली कंटेन, ओनली टेक्निकल मतलब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ही कंटेन करता है, बस वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कंटेन नहीं करता है, ये मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, टीआरएस जो बनाया जाता है वो टेस्टर्स के लिए नहीं बनाया जाता, वो किसके लिए बनाया जाता है, डेवलपर्स के लिए बनाया जाता है, और जो बीआरएस बनाया जाता है वो टेस्टिंग टीम के लिए बनाया जाता है। लेकिन अब सीधी सी बात है, बीआरएस थोड़ा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है, तो टेस्टर्स टीआरएस का भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसको ये पता होना चाहिए कि डेवलपर्स को क्या काम असाइन किया गया, क्योंकि जब तक उसको काम पता नहीं होगा तब तक वो टेस्टिंग कैसे करेगा। ठीक है, तो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, मतलब ये एक तरह से हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं।